रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा आजम खान के खिलाफ जमकर बरसी। कहा, रामपुर में 2004 और 2009 के चुनाव में मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मुझे बदनाम किया गया। उस वक्त मेरा ना मुलायम सिंह ने साथ दिया और ना ही अखिलेश ने। आजम खान के जुल्मों से बचाने को कोई आगे नहीं आया था। अकेली औरत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस वक्त मेरे साथ जंगल राज हुआ। अगर बहन गुहार लगा रही है तो कम से कम फोन तो करो, मैं किस हाल में हूँ। एक बात मैं बताना चाहती हूँ अमर सिंह जी के बारे में। अमर सिंह जी को इसलिए धन्यवाद कहना चाहती कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे को बदनाम किया। मेरे से एक औरत को समाज में अगर एक विमन पावर कहला जाता है, विमन को उत्थान की बात होती है, जब मैं यहाँ पे राखी बांधने के लिए आती हूँ तो मेरे राखी वापस हो जाता है। उस राखी के वास्ते में बता रही हूँ, कोई भाई अपने अपने घर में बहनों को इस तरह के अभद्र भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त उस जंग में ना मुलायम सिंह जी ने साथ दिया था, या अखिलेश ने साथ दिया था, या आजम साहब के उनके जुल्मों को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता दिखाया। अकेली औरत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जंगल राज हुआ है उस वक्त। मैं अखिलेश जी को बताना चाहती हूँ, भाई भाई बोलने वाला अखिलेश, बहन अगर गुहर लगा रही है तो कम से कम तुम तो फोन तो करो कि मैं किस साल पे रही हूँ। अमर सिंह जी उधर भोजन है, भोजन अमर सिंह जी हमें उस मुसीबत में मुझे रक्षा किए, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनको कोई ताल्लुक नहीं है रामपुर से, उनके कोई मतलब नहीं है रामपुर से, लेकिन जो कद्दावर नेता अमर सिंह जी के बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा था कि उनके बच्चों को तेजाब से नहलाएंगे और उनके परिवार को काट के रखेंगे, तो ये मैंने नहीं कहा, वो उनके खुद के बयान में है। तो अमर सिंह जी ने क्या किया है, एक औरत मुसीबत में है तो उनको रक्षा किया, इतनी सी बात है, इतना नाराजगी क्या इस चुनाव में आजम जयप्रदा का झगड़ा हावी रहेगा या रामपुर का विकास हावी रहेगा? मैं विकास के लिए काम कर रही हूँ, मैं विकास के लिए इसलिए काम करना चाहती हूँ। यहाँ पे दबदबा नहीं रहे, यहाँ पे दबंग नहीं रहे, यहाँ पे लोगों को एक खुशहाल और खुला आसमान के नीचे उनके काम करे, रोजगार मिले। अब बात क्या है, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आए कि ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ है। झगड़ा इसलिए शुरू हुआ है कि मैं विकास करना चाहती हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे जो बात यह है कि रामपुर चुनाव में जो जनता ये तय करती है कि जो सांसद बनकर आती हैं वो सांसद उनके लिए काम करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि उनके अपने अपने लोगों के लिए जो कामों को दिलाना, उस कामों को जनता तक नहीं पहुंच पाना, ये एक रिवाज है। आपको पता है पहले से भी सड़कों का काम करना हो तो किसी को ठेका देना है, वो ठेका हम नहीं कर पाते, लेकिन उनके दबन से लोगों को अपने लोगों को ठेका देके काम करवाना और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैलाना, दबन, डर, तो मैं कैसे रहूँ, 4 साल कैसे रहूँ। आज मुझे वो समाजवादी पार्टी से मुक्त होकर मैं आज बीजेपी के साथ आई हूँ और मुझे इस बात पर खुश है कि महिला होने पर बहन के लिए, राखी के लिए जो लाज नहीं रख सकते हैं, मुझे उस पूरी उम्मीद है कि मुझे बीजेपी में आने के बाद महिलाओं का सम्मान का एहसास मुझे दिलाया।